हे एवरी वन हावी यू ऑल आई एम प्रतिभा सिंह एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू माई यूट्यूब चैनल ओके गाइज तो बिफ़ोर वी स्टार्ट एन अकेडमी आपके लिए लेके आया है बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ और ये जो सरप्राइज है ये है कि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप टेस्ट होगा ट्वेंटी फरवरी फेबररी को टू थाउजेंड ट्वेंटी टू बैंक एग्जाम का दस बजे टाइमिंग है एस का टू पी पे टाइमिंग है रेलवे का फाइव पी पे टाइमिंग है एंड गाइज आप जो है मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम आई जो है प्रतिभा सिंह अकेडमी ट्वेंटी फोर दिस इज़ माई टेलीग्राम आई डी ओके गाइज तो आज का जो ये जो हमारा टॉपिक है ये है डिनाई वर्स रिफ्यूज वर्स रिजेक्ट ओके okay? छोटे छोटे से आपके ग्रामर के टॉपिक होते हैं कि कहाँ पर यूज़ होता है ये आपका आता है क्लोज टेस्ट में आ सकता है क्वेश्चन एंड वाइज ये आ सकता है जब हमारा सेंटेंस रिप्लेसमेंट में आता है तब तो हमें प्रॉब्लम होती है कि डिनाई में रिफ्यूज में रिजेक्ट में क्या डिफरेंस होता है तो पहले हम बात करते हैं समानता की यहाँ पे तीनों का ही मतलब होता है मना करना डिनाई करना मना करना रिफ्यूज करना रिजेक्ट कर देना ठीक है अस्वीकार करना अब यहाँ पर मना किस चीज़ से कर रहे हो अस्वीकार जो है वो किस चीज़ से कर रहे हो तो ये देखिए टू से दैट समथिंग इज नॉट ट्रू कोई चीज़ जब आपकी सच नहीं है मान लीजिए आप पे क्या लगाया जा रहा है कोई आ, कोई बोल रहा है कि ये बात ठीक है या फिर गलत है ठीक है तो हम बोलते हैं ये बात सच नहीं है यू डिनाइड द फैक्ट ठीक है रिफ्यूज करना टू से दैट यू विल नॉट डू और एक्सेप्ट समथिंग रिफ्यूज कर देना किसी काम को करने से मना कर देना काम करने से क्या करना मना करना और रिजेक्ट करना रिजेक्ट करना गाइज देखो ये होता है शी रिजेक्टेड माई प्रपोज़ल जब कोई प्रपोजल के लिए रिजेक्ट होता है तो हमारा कोई शी रिजेक्टेड प्रपोजल ही एक है माई बिलीव ठीक है तो शी शी रिजेक्टेड मी तो रिजेक्शन कहाँ होता है जहाँ पर आप कुछ अप्लाई करते हो प्रपोज करते हो ठीक है जहाँ पे ये ये टर्म हमारा क्या हो गया है फॉर्मल टर्म हो गया अभी और एग्जाम्पल्स हम इसको समझते हैं Deny एन एलिगेशन आपने क्या कर दिया है सत्यता की प्रमाण को देने के लिए आपने मना कर दिया है ठीक है यहां पे आपके ऊपर किसी ने लगाया कि तुम झूठे हो मक्कार हो तो आप रिजेक्ट करोगे इसे रिजेक्ट नहीं करोगे आप मना करोगे आई डिनाइड दीज एलिगेश ठीक है आप जो मेरे ऊपर ये बात लगा रहे हो मैं इस चीज से मना करती हूँ तो ये यहाँ पर डिनाई आएगा रिफ्यूज आएगा एक ऑफर के लिए अब ये कैसा है यहां पे और यहाँ पर आपका काफी डिफरेंस है देखो रिफ्यूज जो होता है वो होता है मान लीजिए कि आपने पैप्सी किसी को कोल्ड ड्रिंक ऑफर करी तो आई रिफ्यूज इट आप जनरली इन फॉर्मल वे में क्या कर रहे हो मना कर रहे हो ठीक है अब यहाँ पर ही पेपर पेन लेके कोई बैठा हुआ है तो ये क्या होगा रिजेक्ट होगा प्रपोजल रिजेक्ट हो गया ये फॉर्मल टर्म हमारा हो जाता है अब शादी के लिए भी क्या हो जाता है भाई शादी ऐसा नहीं है कि नॉर्मल आपका इनफॉर्मल टर्म है शादी होती है तो वो लीगली आपकी वेडिंग आपकी मानी गई तो शी प्रपोज मी उसने मुझे प्रपोज किया ही प्रपोज मी ठीक है तो शी डिनाइड दैट शी ब्रोक द ग्लास उसने मना किया कि उसने ग्लास तोड़ा है ग्लास समझ में आया denied के बाद में सीधे हमने क्या लगाया है आई एन जी लगाया है ये भी टर्म याद she शी इज strict वेजिटेरियन एंड रिफ्यूज टू ईड मना करती है एनी पोल्ट्री ऑफ फिश तो यहां पर आपका क्या हो गया है इनफॉर्मल आपका नॉन एक्सेप्टेंस हो गई है मैंने आपने जो है सीधे ये देखिए मैंने आपको ये दिया कि वुड यू लाइक टू हैव कॉफी नो रिजेक्ट नहीं कर रहे हो आप इसे आप इसे रिफ्यूज कर रहे हो ठीक है माई टीचर रिजेक्टेड माई एक्सक्यूज फॉर बींग लेट अब आ गया है यहां पर फॉर्मल टर्म आ गया कॉपी पेन की बात आ गई है यहां पर ये इनफॉर्मल नहीं है भाई स्कूल में जब आप आए हो और आपने यहां पे बोल दिया कि भाई मैं लेट क्यों हुआ तो उसने मेरे इस एक्सक्यूज को रिजेक्ट कर दिया ठीक है जॉब में रिजेक्शन होता है ओके okay गाइस तो आई होप कि डिनाई रिफ्यूज एंड रिजेक्ट आपको क्लियर है एक बार गाइस अगर फिर भी समझ में नहीं आया हो इसकी एंटोनिम को देखो डिनाई करते हो जब किसी एलिगेशन को तो यहाँ पर एडमिट करते हो एडमिट का मतलब क्या होता है स्वीकार करना ठीक है रिफ्यूज का मतलब क्या है अगेन वही चीज़ है। मना करना एक्सेप्ट करना ओके आई एक्सेप्ट दिस मैंने आपके लिए कॉफी करी है आई एक्सेप्टेड ठीक है अब यहां पर यह हो गया है इनफॉर्मल एंड दिस इज रिजेक्ट द कमिटी रिजेक्टेड माई प्रपोजल कमिटी एक्सेप्टेड माई प्रपोजल ओके तो ये अपोजिट जो है टर्म्स इनको भी आप देखिएगा समझिएगा ओके okay गाइस तो आप मुझे अब कमेंट बॉक्स में फर्स्ट से लेके सिक्स तक ये जो क्वेश्चंस हैं इनके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए मैं बैक बॉक्स में ही मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी ओके गाइस तो यहाँ पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही छोटे छोटे से वीडियोस के लिए गाइस एंड गाइस यस लाइक तो करना ही सब्सक्राइब भी करना है एंड कमेंट तो मैंने बता ही दिया है कि कमेंट आपको क्या करना है ओके थैंक यू गाइज़